नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, करोड़ों का कर्ज भी यदि आप पे चढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए, कर्ज को किसी भी प्रकार चुका नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी दिन ये कुछ प्रयोग आप कीजिए, आपको ज़रूर इससे छुटकारा मिलेगा जल्द से जल्द। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्ज के बारे में। तो दोस्तों, कर्ज कभी ना कभी कोई ना कोई हर कोई लेता है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कर्ज तुरंत चुका लेते हैं या कुछ टाइम लगता है, और कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जो आप चुका ही नहीं पाते, एकदम परेशान हो जाते हैं। काफ़ी लोगों की बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है, घर तक उन्हें बेचना पड़ता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं और आप कर्ज चुका ही नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसी समस्या पहले तो जानते हैं क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी होती हैं। चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम किस दिन कर्ज ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, तो ये चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो आइए जानते हैं हमें किस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार के दिन कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो शनिदेव का दिन होता है। ऐसे में यदि आप शनिवार को कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज कभी भी समाप्त नहीं हो पाता है, बहुत ही हालत आपकी खराब हो जाती है। तो ऐसे में शनिवार के दिन कोई भी पेपर वर्क, यानी कि पेपर पे साइन करना, लोन के पेपर्स पे साइन करना इग्नोर कीजिए। और 17 और 26 ये जो नंबर है, दो या तारीख है 17 या 26, इस दिन कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार का लोन ना लें, क्योंकि 8 अंक जो है वो शनि देव का अंक माना जाता है। तो ऐसे में आप लंबे समय के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हो और उसे चुका नहीं पाते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप शनिवार के दिन अवॉइड करें, और वहीं अवॉइड करें ब्लैक पेन से साइन करना। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पेन से भी आपको साइन नहीं करना है। और आप चाहें तो आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि ये कर्ज आप जल्दी भी चुका देते हैं। तो जीवन की मुश्किलों से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाता है अगर आप इस दिन कर्ज लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए शनिवार को आपको नहीं लेना है। और दोस्तों, कभी भी कोशिश कीजिए जब आप कर्ज लेते हैं या किसी पेपर पे साइन करते हैं, तो मन ही मन आपको ये कहना है कि हे प्रभु, ये तुम्हारी चीज है, आपको ही मैं ये अर्पित कर रहा हूँ या रही हूँ, धन भी आपका है और मैं भी। ऐसा करने से दोस्तों आपको जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और भगवान की कृपा भी आप पे बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे कर्ज होते हैं कि मुकदमा यानी कि कोर्ट तक जाने की नौबत भी आ जाती है, तो ऐसे में आपको कुछ प्रयोग आज हम बता रहे हैं, आपको आसानी से ये प्रयोग करने हैं और इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला प्रयोग जो बता रहे हैं वो आपको पान के पत्ते के साथ करना है। तो दोस्तों, आपको एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल हरा, साफ सुथरा, खूबसूरत पत्ता लेना है। ध्यान रखें कि पान का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको दो लौंग रखनी है और एक इलायची रख के पान का बीड़ा बना लेना है। जैसे कि पान बनता है नॉर्मली, ऐसे आपको इसका बीड़ा बनाना है। और मंगलवार के दिन नहा धोकर, साफ होकर, अच्छे कपड़े पहनकर आपको ये प्रयोग करना है। उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है और 3 महीने तक आपको ये प्रयोग करना है। फिर आपको हनुमान मंदिर में जाके उस पान के बीड़े को अर्पित करना है। और किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो आपके घर का कोई भी सदस्य जाकर उस पान के बीड़े को चढ़ाकर आ सकता है। 3 महीने तक अगर आप ये करते हैं तो 1 महीने में ही आपको धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा, कर्ज मुक्ति का रास्ता आपको दिखने लगेगा कि कैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी दोस्तों आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं, आपको उससे बाहर निकालते हैं, यदि आप पूर्ण रूप से अपने आप को उनको अर्पित कर दें और उनकी शरण में चले जाए तो। लेकिन दोस्तों, कई बार लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं फिर भी बाहर नहीं निकल पाते, वहीं शादी, विवाह, धन, ऑफिस में प्रमोशन, कारोबार को लेकर लॉस हो रहा है या कहीं पे धन अटका पड़ा है वो भी वापस नहीं आ पा रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी प्रयोग है। तो ये प्रयोग भी आपको मंगलवार के दिन करना है। इसके लिए भी आपको पान का पत्ता चाहिए, तो आपको एक पान का पत्ता साफ लेना है, उसका भी डंठल तोड़ के निकाल लीजिए। अब इसे उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो चिकनी वाली साइड है उसे पलट दीजिए, यानी कि खुरदुरी वाली साइड जो उसका बैक है वो आपको लेना है। उसमें 2 लौंग आपको रख लेनी है और दो
दोनों हाथों से उस पत्ते को पकड़ के आपको ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पानी बह रहा है, यानी कि नदी के पास या कोई ऐसी चलती हुई नदी है जो बह रही है, तालाब है, वहाँ आपको ले जाना है और उसे प्रवाहित कर देना है प्रार्थना के साथ। इससे आपकी जीवन की सारी रुकावटें दूर होगी और वो पानी आपकी सारी समस्याओं को बहाकर आपसे कहीं दूर ले जाएगा दोस्तों। तो 2 से 3 महीने तक आपको ये करना है, आप देखेंगे इतनी आपको सफलता मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको जो भी परेशानी हो रही है काफ़ी समय से वो भी दूर हो जाएगी। अब अगला प्रयोग हम बता रहे हैं, ये प्रयोग दोस्तों घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो इस दिन आप कोशिश कीजिए कि आप नमक ना खाएं, और यदि नमक आप खा रहे हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, और दिन भर आप सात्विक भोजन खाइए। और अब आपको क्या करना है, रात्रि में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहन के आपको एक जगह बैठना है, रात के 11 से 1 के बीच में ये करना है, क्योंकि उस वक्त बहुत शांति होती है चारों तरफ और आसानी से भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो और फिर आपको क्या करना है, सुबह या शाम आपने पूजा की हुई है तो उस जगह पर आप बैठ जाइए और हनुमान जी के सामने एक दीपक जला लीजिए, वो चाहे आप घी का जलाएं या फिर आप सरसों का जलाएं, जैसी आपकी भावना है उस तरीके का आप करिए। और उसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 बार, ऐसा आपको 11 मंगलवार तक करते रहना है। आप देखेंगे सारे कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, धीरे धीरे आपको जो भी लॉस में आप चल रहे हैं एकदम से प्रॉफिट में आएंगे, सब सही हो जाएगा। आपको केवल अपने आप को और अपनी समस्याओं को अर्पित करना है हनुमान जी को, तो वो फिर सब संभाल लेंगे और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।